तो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। आई एम रितम एंड यू आर वाचिंग ब्लू लस्टर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले Z900 के बारे में, जो कि MY 2025, जो कि USA में अभी लॉन्च नहीं हुआ, बस शोकेस किया गया या टीजर दिया गया है। तो आज हम लोग उसी बाइक के बारे में बात करने वाले। हम लोग शुरू से शुरुआत करते हैं। ये जो Z900 बाइक है, हम लोग का चाहिए सबसे पॉपुलर Z900, वो शुरू हुआ था या मार्केट में आया था 2017 में। किसको रिप्लेस किया गया था आप लोगों को पता ही होगा कि उसके पहले 2016 या 17 में, आप बोल सकते हो शुरुआत के टाइम में, हम लोग को मिल जाता था Z800 बोल के एक बाइक आता था, जो पावर प्रोड्यूस करता था 111 BHP और समवेयर क्लोज टू 100 Nm टॉर्क। फिर उसका सीट हाइट जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा था एज कम्पेयर टू Z900, उसमें करीबन 830 mm का सीट हाइट था। एंड उसका वेट जो था बहुत ज़्यादा था, अराउंड 220 या 225 के करीब उसका वेट रहता था। उसी को दिमाग में रखते हुए बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था उस गाड़ी को मनूवर करने में, सिटी में या हाईवे में थोड़ा सा मनूवर करने में प्रॉब्लम हो रहा था। इसलिए कावासाकी वालों ने सोचा कि एक ब्रांड न्यू इंजन निकालते हैं और एक ब्रांड न्यू बाइक निकालते हैं, जिसका नाम रखा गया था Z900। वो जब गाड़ी था वो आया था 765 या 795 mm का सीट हाइट के साथ, जो कि शॉर्ट राइडर्स चला पाते थे। एक 900cc इंजन मिल जाता, टू बी प्रिसाइज 948cc, वही चल रहा अभी तक। तो उसका पावर था 125 BHP, मतलब इससे करीबन 10-15 BHP ज़्यादा है। एंड वेट भी कम था, 212 kg का वेट था उसमें। तो यहीं से शुरुआत हुआ 2017 से लेके अब तक सबसे ज़्यादा चाहिदा बाइक है हम लोग का Z900 कावासाकी की तरफ से। तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो करंट हम लोग का चल रहा है, MY 2025 नहीं, जो 2024 मॉडल चल रहा है उसका पावर फिगर्स मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ, फिर मैं 2025 में जाऊँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें चेंज हुआ है। तो वो सब जानने से पहले आप लोग इसका पावर फिगर्स जान लीजिए, उसके बाद हम लोग उस पर चलेंगे। तो इस बाइक में आप लोगों को मिल जाता है 948cc का इनलाइन 4 सिलेंडर BS6 Phase 2 कंप्लाइंट इंजन मिल जाता है, जो पावर प्रोड्यूस करता है 125 BHP और 100 Nm ऑफ टॉर्क, या टू प्रिसाइज 98.6 Nm ऑफ टॉर्क। एंड अभी हम लोग आ जाते हैं जो नया वाला मॉडल आ रहा है, उसमें कुछ चेंजेस हुआ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला जो चेंज है, हेडलाइट कंप्लीट चेंज हो चुका है। जो आप लोगों को पता हो, कुछ महीना पहले Z500 लॉन्च हुआ था, उससे थोड़ा सा इंस्पायर्ड होकर ये वाला Z900 में वही वाला सेम हेडलाइट मिल जाता है, जो कि ट्राई LED सेटअप बोला जा सकता है। और सबसे जो आइकॉनिक चीज़ था, जो कि हम लोग का Z900 फेमस था, कि पीछे जो बैकलाइट था वो Z लिखा हुआ रहता था, वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया। पता नहीं क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे कहीं ना कहीं तो पुराना वाला मॉडल ज़्यादा पसंद था। अब कावासाकी जाने क्या किया, तो वो हुआ एक चेंज, दूसरा चेंज हो गया। तीसरा हम लोग आते हैं जो कि है पावर। इसमें पावर फिगर्स में थोड़ा सा मतलब डिक्रीज किया गया, जैसे कि मैंने अभी डिक्रीज कहा, तो डिक्रीज एक्चुअली ऑटो मोबाइल्स के वर्ड में ऐसा यूज़ नहीं किया जा सकता, तो डीट्यून बोला जाता है। सो इंजन थोड़ा सा डीट्यून किया गया है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा खटका कि भाई क्यों किया। तो उसमें पावर मिल जाता है 122 BHP का पावर, और अभी तक टॉर्क रिवील नहीं किया गया, लेकिन टॉर्क भी थोड़ा सा कम हुआ है जो भी करंट हम लोग का Z900 चल रहा है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं टैंक्स में, भी थोड़ा सा चेंजेस हुआ है कि टैंक का जो श्राउड है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है, मीटर थोड़ा सा चेंज, मीटर कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, नया TFT मीटर आप लोगों को मिल जाता है उसमें। अभी जो मॉडल आने वाला है उसमें आप लोगों को दो ऑप्शन मिल जाएगा, एक होगा 810 mm और एक होगा 830 mm। वो आप लोगों को हाइट के अकॉर्डिंग आप लोग उसको एडजस्ट कर पाएंगे। एंड जो अभी जो चल रहा है हम लोग इंडिया में, जो करंट मॉडल है वो 820 mm सीट हाइट मिल जाता है। बात करते हैं उस बाइक के टायर साइज़ के बारे में, टायर साइज़ आप लोगों को मिल जाता है फ्रंट में 120 सेक्शन का 80R17 का मिल जाता है, और पीछे 180 सेक्शन का 170 17 इंच का मिल जाता है, 70 या 60 ऐसा कुछ है। वही सामने डुअल डिस्क मिल जाता है 4 पिस्टन कैलिपर के साथ, पीछे आप लोग सिंगल डिस्क मिल जाता है, सामने आप लोगों को वही सेम USD सस्पेंशन मिल जाता है।
और पीछे आप लोगों को मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत था हम लोगों का, मतलब जो भी Z900 ओनर से उन लोगों का कंप्लेन भी था कि एक चीज़ उनमें कम था, वो अभी डाला गया जो MY2025 में है। वो एक ही चीज़ जो मुझे जो अट्रैक्ट किया वो एक चीज़ था, वो है बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर। आप लोगों को इसमें मिल जाता है, जो कि कावासाकी का क्विक शिफ्टर, खुद का जो क्विक शिफ्टर है, जो ZX10R, Ninja H2 या जो भी बाइक्स है, ZX4R, जो भी बाइक्स है उसमें जो भी क्विक शिफ्टर यूज़ किया गया वही सेम क्विक शिफ्टर इसमें यूज़ किया जाता है। तो यही कुछ चेंजेस था। एंड आप लोग पता है कि Z900 बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ऐसा कुछ उसको बताने के लिए है नहीं। तो यही कुछ चेंजेस है इस गाड़ी में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। तो मिलते हैं पीछे अच्छा जो है, तब तक के लिए बाय।